Hi everyone, welcome back to our channel Rasayan Duniya. By this video we are going to start another name reaction, that is Novangel reaction. Novangel reaction is equally for BSc second year as well as MSc previous year. दोनों classes के लिए Novangel reaction है वो same ही होने वाली है. जितनी भी name reactions मैं यहाँ पे discuss कर रही हूँ, like अभी तक Perkin reaction की है, Sauber condensation, reformates की किया है, Aldol किया है, and ये जो next है ये Novangel reaction मैं करने वाली हूँ. तो बहुत सारे students उनकी request थी कि मैम आप ना aldehyde and ketone पढ़ाइए BSc second year. तो एल्डिहाइड एंड कीटोन है वो चल रहा है साइमल्टेनियसली, आपको पता नहीं चल रहा वो बात अलग है. हाँ मैंने इनिशियली वहां से नहीं स्टार्ट किया है, बट एल्डिहाइड और कीटोन की जो नेम रिएक्शंस हैं वो चल रही हैं. तो ये जो वीडियो है ये बीएससी सेकंड ईयर एमएससी प्रीवियस ईयर दोनों के लिए बराबर का इंपॉर्टेंट है. नोवेंजल रिएक्शन जो आपके बीएससी सेकंड ईयर में होती है वही एमएससी प्रीवियस ईयर में होती है, ठीक है. बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता यहाँ पे. नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है वो आप यहाँ से कम और ज्यादा कर सकते हैं. बाकी नोवेंजल रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहना है बीएससी सेकंड ईयर में भी एमएससी प्रीवियस ईयर में भी. तो दोनों क्लासेस के लिए है ये वीडियो, ठीक है. तो नोवेंजल रिएक्शन में होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसे हम कंसीडर किस में करते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में करते हैं. तो यहां पे भी कार्बोनिल कंपाउंड है उनकी रिएक्शन हमें किसी ना किसी ऐसे कंपाउंड के साथ में करानी होगी जिससे कि न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सके. एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो होते हैं उनमें काफी यूजफुल होती है. दैट्स व्हाई हम ये नेम रिएक्शन से ये पढ़ रहे होते हैं, ठीक है. तो अभी तक हमने जितने भी रिएक्शंस की हैं एक्सेप्ट एल्डोल कंडेंसेशन सारे की सारी कौन सी बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शंस थी, ठीक है. रिफॉर्मेट्स की है उसमें हमने जिंक मेटल है वो यूज किया था एज अ कैटेलिस्ट, बट यहां पे हमें क्या करना, सॉरी हाँ जिंक मेटल है वो यूज क्या होता है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में. यहाँ पे हमें क्या करता है, अगेन बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन करानी है. बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन है वो कौन कौन से कंपाउंड्स की करानी है, तो लाइक ऑलवेज पहले मैं आपको यहाँ से क्या बताऊंगी, आउटलाइन बताऊंगी रिएक्शन का, देन हम कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म प्लस एग्जाम्पल्स और सारी चीज देखने वाले हैं इन डिटेल. साथ ही एक चीज और मैं बता दूं कि कुछ लोग हैं वो बोलते हैं कि हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, तो इंस्टा पे प्लीज ऐसे मैसेजेस ना करें क्योंकि फिर वो ना कि मैं जो बाकी कुछ काम के मैसेज होते हैं वो भी नहीं देख पाती, ऐसे जो मैसेजेस होते हैं उनके चक्कर में. अब मैंने कभी अपना चैनल प्रमोट नहीं किया, मैं आप लोगों का क्या चैनल प्रमोट करूंगी ये बताओ मेरे को, और क्यों करूंगी मेरे को ये बताओ. यदि आपके कंटेंट में दम है तो वो पहुंच जाएगा ना बच्चों तक, मेरे प्रमोट करने की क्या नीड है, ठीक है. मैंने कभी आज तक खुद के चैनल पे ये नहीं बोला कि लाइक एंड सब्सक्राइब करो. हाँ मुझे पता है जिसको नीड है, जिसे मेरा कंटेंट पसंद आएगा वो खुद कर लेगा, ठीक है. अदरवाइज बोल के तो लाइक एंड सब्सक्राइब कराने से फायदा भी क्या है, ठीक है, हो भी क्या चाहेगा मेरे बोलने से, और कर भी कौन देगा मेरे बोलने से, कोई नहीं करेगा. यदि आप लोगों को 5 बार कॉन्सेप्ट समझ आएंगे तो ही आप करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे. तो इतनी पागल दुनिया नहीं है जो किसी के बोलने से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देगी, ठीक है. तो प्लीज ऐसे मैसेजेस ना करें, यही मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है. एंड एक को कुछ लोग जो हैं वो कमेंट सेक्शन में बोलते रहते हैं कि साथ में मिलके वीडियोस बनाते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, ये कर लीजिए वो कर लीजिए. तो मैंने स्टार्ट किया था तब भी बोला था कि ये मेरा इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल रहेगा. अभी तक तो मेरा यही कंसेंट है यहाँ से कि इंडिविजुअल था और इंडिविजुअल ही रहेगा. मैं किसी के साथ कोई यहाँ से नहीं करने वाली हूँ कि मैं किसी के साथ में जा रही हूँ, किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जा रही हूँ. मैंने अपनी मस्ती में चैनल स्टार्ट किया था, बस यही है कि कोई यदि कोई दो स्टूडेंट्स हैं, मतलब दो तो क्या, कोई एक स्टूडेंट है उसका भी यदि मेरे चैनल से पढ़ के कुछ भला हो जाता है तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, बस यही है, ठीक है. बाकी कुछ नहीं है ना, मैं कभी नंबर्स के पीछे भागती हूँ यहाँ से, वो चीज़ आपने देखी भी है, ठीक है. कोई एक आधा वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है, अराउंड 230 वीडियोज़ होने जा रहे हैं चैनल पे, एंड 230 वीडियोज़ बनाना, और वो भी कोई 10-15 मिनट की वीडियो नहीं है, एक एक घंटे के वीडियो भी मैंने बनाए हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं होती है. बहुत टाइम दिया है, बहुत मेहनत दी है, और हाँ आप ही के लिए किया है, ठीक है, आप ही के लिए किया है. तो जितना हो सके देखिए पढ़िए, बट ये बेकार की बातें मत कीजिए कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाइए और हमारा चैनल प्रमोट कर दीजिए. तो ऐसे लोग प्लीज मैं बोल रही हूँ कि मेरे चैनल से दूर ही रहें, मुझे सिर्फ स्टूडेंट्स की नीड है, मुझे नहीं नीड है ऐसे लोगों की, ठीक है. बाकी मेरा किसी को कोई ऑफेंड करने का मतलब भी नहीं है, कहीं वो लोग एटीट्यूड दिखा रही है, ये भी बहुत होता है, लोग मुझे बहुत बोलते हैं एटीट्यूड बहुत दिखाती है, तो मैं एटीट्यूड नहीं दिखाती, मैं जो एक्चुअल बात है वही बता रही हूँ, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं नोवेंजल रिएक्शन. अब बीएससी सेकंड ईयर वाले हैं वो भी देख लेना इस वीडियो को, अगेन बोल रही हूँ थंबनेल पे भी मैं लिख रही होती हूँ नोवेंजल जो भी नेम रिएक्शन है उनमें बीएससी सेकंड ईयर एज वेल एज मैं एमएससी प्रीवियस ईयर दोनों का लिख रही होती हूँ क्लास थंबनेल पे भी, ठीक है. अभी देखिए नोवेंजल रिएक्शन में होता क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है यहाँ से कि स्टेटमेंट हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे यहाँ से कि कार्बोनिल कंपाउंड है. कार्बोनिल कंपाउंड की हम रिएक्शन पढ़ रहे होते हैं, तो कार्बोनिल कंपाउंड है वो तो यहाँ पे प्रेजेंट होना ही होना है. तो फर्स्ट थिंग तो यहाँ से क्या आएगा, कार्बोनिल कंपाउंड आएगा, ठीक है. कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है वो आपको किसके साथ में करानी होती है,
सो दैट कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो सके यहाँ से. तो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है वो आपको यहाँ से करानी होती है एक्टिव मिथिलीन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ में. ठीक है, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप के साथ में. ठीक है, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप के साथ में करानी होती है. ठीक है, ये हो गया कार्बोनिल कंपाउंड प्लस एक्टिव मिथिलीन ग्रुप की जब आप कराते हो यहां से. कौन सी रिएक्शन करानी है? बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन करानी है. बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन फॉलोड बाय हीट एंड हाइड्रोलिसिस. ठीक है, बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन कराओगे तो यहां से सेकंड में आपको क्या करना है? हाइड्रोलिसिस कराना है. ठीक है, प्लस में हीट कर देना है. तो यहां से जो कंपाउंड का प्रोडक्ट बनेगा, यहां से जो रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होने वाला है? वो यहां से बनने वाला है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये यहाँ से रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है वो बन रहा होता है. तो ये होती है आपकी नवेंजल रिएक्शन. इतने से में मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कार्बोनिल कंपाउंड्स प्लस एक्टिव मिथिलीन ग्रुप कंटेनिंग जो कंपाउंड होता है, दोनों की बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन करानी होती है, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है. तो यहां से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी फॉर्मेशन है वो हो जाती है एज अ प्रोडक्ट. नाउ यहां से रिएक्शन का स्टेटमेंट है वो क्या होता है? तो इसी रिएक्शन को हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देते हैं. ठीक है, थ्योरी की फॉर्म में इसी को लिख देंगे हम. तो स्टेटमेंट है वो क्या होगा यहां से? व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड्स are treated with active methylene, active methylene containing compound then active methylene containing compound in the presence of base followed by hydrolysis and heat, it gives alpha beta unsaturated carboxylic acid and this reaction is said to be Novengel reaction, is said to be Novengel reaction. ठीक है, तो ये यहां से होती है Novengel reaction. जब आपका कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी आप रिएक्शन करा रहे होते हो एक्टिव मिथिलीन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ में, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही होती है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस एंड हीट. तो यहां से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है और यही जो रिएक्शन है ये आपकी कौन सी रिएक्शन होती है? Novengel reaction होती है. नाउ यहां से Novengel reaction है वो हम रिएक्शन की फॉर्मेट में देख लेते हैं. यहां से फॉर एग्जाम्पल हमने क्या रखा है? कार्बोनिल कंपाउंड रखा है. अब एक चीज यहां पे मैं आपको बताती हूं कि हम बार बार यहां पे बोल रहे हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप. ये जो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है ये क्या होता है? तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि मिथिलीन जो ग्रुप है वो क्या होता है. तो मैंने बहुत बार ही बताया है कि तीन टाइप के ग्रुप्स होते हैं. एक तो होता है आपका CH3. ठीक है, ये कौन सा होता है? मिथाइल होता है. ठीक है, मिथाइल होता है या फिर मेथिला बोल सकते हो, जो भी आप बोलते हो. दूसरा होता है आपका CH2 है, ये कौन सा होता है? मिथिलीन होता है. एंड जो CH है वो क्या होता है? मिथाइन होता है. ठीक है, तो समझ आ गया. यहां से CH3 मेथिल होता है, CH2 है वो मिथिलीन होता है, एंड CH है वो क्या होता है? यहां से मिथाइन होता है. तो हमें क्या चाहिए? एक्टिव मिथिलीन ग्रुप चाहिए. अब एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का मतलब क्या होगा यहां से? कि CH2 है, इसके साथ में जो दो ग्रुप्स लगे होंगे वो क्या हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स हो. एक्टिव दैट मीन्स कि यहां से H पॉजिटिव को विड्रॉ करना बहुत ही ईजी हो, वही क्या होगा? एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होगा. तो यहां से देखिए मैं आपको बताती हूं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप की फॉर्म में आपको क्या लेना है. CH2 आपने ये ले लिया, आपने जो बाकी की दो वैलेंसीज हैं वो दो ग्रुप्स से कंप्लीट की हैं, और जो जी है वो यहां पे क्या होगा? जी है वो यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स होंगे. EWG का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को यहां से पुल करने वाले जो ग्रुप्स हैं वो होंगे. एंड जी है वो क्या हो सकता है फिर यहां से? ठीक है, सो जी
जी है वो क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में क्या क्या हो सकते हैं, साइनाइड हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका क्या हो सकता है, एस्टर हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, यहाँ से साइनाइड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, यानी कि एसाइल ग्रुप हो सकता है। तो इस टाइप से आप कोई भी यहाँ पे ग्रुप्स हैं वो रख सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये जो जी है ये यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है, और इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे होते हैं, एक्टिव मिथिलिन ग्रुप बोल रहे होते हैं। यही क्या है, एक्टिव मिथिलिन ग्रुप होता है, एक्टिव मिथिलिन ग्रुप होता है। आपका रिएक्शन का आधा जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से क्लियर हो जाता है एक्टिव मिथिलिन ग्रुप का पता लगते ही। अब एक्टिव मिथिलिन ग्रुप का फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा है कि ये यहाँ से क्या करने वाला है, ये यहाँ से करेगा यही कि एक एच पॉजिटिव वो इजिली डोनेट करेगा एंड फॉर्मेशन करेगा कार्ब एनायन की। वो कार्ब एनायन है वो फर्दर किसके साथ में रिएक्ट करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करेगा। सो रिएक्शन को यदि हम देखें यहाँ से तो क्या होने वाला है कि हमें क्या चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए। कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर एग्जाम्पल हमने रखा C6H5 C डबल बॉन्ड O H रखा, ठीक है, C6H5CHO रखा। ये हमने क्या रखा, बेंजाल्डिहाइड रखा। बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन है वो हमें किसके साथ में करानी होती है, CH2COET, ठीक है। Z है वो हमने क्या रखा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो रखे हैं, ठीक है। अभी यहां से देखिए, ये आपका कौन सा होता है, मेलोनिक एस्टर होता है। अब मेलोनिक एस्टर की आप जब रिएक्शन करा रहे होते हैं बेंजाल्डिहाइड के साथ में, तो रिएक्शन है वो आपको कैसे करानी है। रिएक्शन के लिए कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, यहां से आपको क्या लेना होता है, बेस लेना होता है, ठीक है। बेस की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन है वो हो रही होती है। बेस की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करा रहे हो, बेस की प्रेजेंस में आप यहां से बेस है वो पिरिडिन भी यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ जो बेसिस यूज किए जाते हैं नॉमेंजल रिएक्शन में वो एमेन्स होते हैं, बट आप यहां से कोई अदर बेस है वो भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम OH नहीं लिख रहे हैं यहां पे, हम क्या लिखेंगे, बेस लिखेंगे, ठीक है, बेस लिखेंगे। बेस है वो आपके एमीन्स होते हैं या फिर आप कोई अदर बेस है वो भी यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, बेस लिया यहाँ पे। अब बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं और सेकंड स्टेप है वो यहाँ से क्या होना है, फिर हाइड्रोलिसिस आएगा, हाइड्रोलिसिस आएगा, हीटिंग आएगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक बार के लिए आपको रिएक्शन का फॉर्मेट है वो देखना है कि रिएक्शन एक्चुअल में यहाँ से प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है। जब आपको प्रोडक्ट का पता होता है तो मैकेनिज्म आप लगा सकते हैं, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होता कि आप मैकेनिज्म से होते हुए देन आप प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। जब आपको पहले रिएक्शन के प्रोडक्ट का नॉलेज होता है देन ही आप वहां से मैकेनिज्म को डिराइव कर पाते हैं। ये चीज मैंने कई बार बताई है कि पहले कोई भी रिएक्शन है वो कराई जाती है देन प्रोडक्ट के बिहाफ पे उसकी मैकेनिज्म है वो डिजाइन की जाती है। ऐसा कभी नहीं होता कि पहले मैकेनिज्म दी जाती है उसके बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की जाती है, नहीं, पहले रिएक्शन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर ली जाती है देन वहां से जो पॉसिबल मैकेनिज्म होती है वो डिराइव की जाती है, डिजाइन की जाती है, ठीक है। तो पहले हम भी वही करेंगे, पहले रिएक्शन के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे देन हम यहां से मैकेनिज्म है वो डिजाइन करेंगे। तो यहां से देखिए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो किस टाइप से होगी। मैंने बोला कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड की फॉर्मेशन होती है, तो C6H5 तो आपका एज इट इज हो गया। देन कौन आएगा, CH आएगा, CH के साथ में कौन आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड के साथ में कौन आएगा, C आएगा। यानी कि यहां से दोनों हाइड्रोजन वो जा चुके हैं, यहां से कौन चला गया, दोनों, सॉरी, यहां से एक हाइड्रोजन है वो चला जाएगा और एक हाइड्रोजन के जाने के बाद यहां पे क्या बचेगा, C डबल ओ एच बचेगा। अब ये तो प्रोडक्ट बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं लग रहा है कि कैसे आया, तो कैसे आया इसीलिए तो हम यहां पे आए हैं, यही तो चीज सीखनी है आपको कि ये प्रोडक्ट कैसे आया, यही तो मैकेनिज्म जाननी है, ठीक है। यदि आपको पता होता तो फिर आप वीडियो ना देखते, ठीक है। तो यहां से देखिए हमने क्या लिया, मेलोनिक एस्टर लिया, बेंजाल्डिहाइड लिया, दोनों की बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन कराई फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस एंड हीटिंग, तो यहां से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। नाउ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड की फॉर्मेशन वो तो हो गई, बट ये हुई कैसे, वो चीज हमें किससे फाइंड आउट करनी है, वो चीज हमें बतानी है बाय मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म का यदि हम बात करें तो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है वो हम यहां से करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होगा मैकेनिज्म का उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले चीज है वो क्या करते हैं हम किसी भी कंडेंसेशन रिएक्शन में, अभी तक हमने जितने भी किए हैं वो हम क्या करते हैं, जनरेशन ऑफ कार्ब एनायन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां से कार्ब एनायन की जनरेशन है वो करनी होती है। तो पहले रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, जो आपका मेलोनिक एस्टर होता है ये वाला जो है ये पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। यहां से क्या है, CH2 है, CH2 के साथ में कौन है, COOET है, MCOOET है।
रिएक्शन है वो किसके साथ में करानी है, बेस के साथ में रिएक्शन करानी है। जब बेस के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये जो बेस है ये क्या करेगा, यहां से एक एक्टिव हाइड्रोजन को विड्रॉ कर लेगा। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज कार्बन के साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, सो दैट ये वाला जो हाइड्रोजन होता है इसकी एसिडिटी वो इंक्रीज कर जाती है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इजिली यहां से एलिमिनेट कर पाता है, सो दैट इट इज सेड टू बी एक्टिव हाइड्रोजन एटम। जब एक्टिव हाइड्रोजन एटम के साथ में चला गया बेस तो यहां से निकलेगा क्या, BH पॉजिटिव यहां से जाएगा। जब BH पॉजिटिव जा रहा है तो यहां से कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, CH नेगेटिव COOET, ये यहां से फर्स्ट में फॉर्मेशन हो जाती है आपके इनोलेट आयन की। अब यहां से इनोलेट आयन हम क्यों बोल रहे हैं कि कैसे ये इनोलेट आयन होगा, तो चलिए देखिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक ग्रुप को ऐसे लिख लेते हैं COOET, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये यहां पे आएंगे और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये यहां पे आएंगे, ठीक है। देन यहां से फॉर्मेशन किसकी होगी, CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव OET COOET, यानी कि यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन किसकी होती है, कार्बन आयन की फॉर्मेशन होती है, या फिर हम बोल सकते हैं इनोलेट आयन की फॉर्मेशन होती है। नाउ जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या होगा कि ये जो इनोलेट आयन हमने यहां से फॉर्म किया है ये जाके एडक्ट की फॉर्मेशन करेगा विद बेंजल्डिहाइड, यानी कि अब ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करेगा। तो आगे की रिएक्शन देखने के लिए पहले आपको इतना स्क्रीनशॉट लेना होगा, देन मैं आपको आगे की मैकेनिज्म वो एक्सप्लेन करती हूँ, एक बार इतना सा स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, अभी देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, नीचे वाला जो फर्स्ट स्टेप है ये मैं यहां से रब नहीं कर रही हूं, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं कि हमें नेक्स्ट है वो क्या करना होता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया है कि यहां से हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एडक्ट की फॉर्मेशन करनी है, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में हमें ये जो हमने एक्टिव मिथिलिन ग्रुप वाला कंपाउंड लिया, कार्बनायन लिया है, इसकी रिएक्शन है वो करानी होती है, ठीक है। नाउ स्टेप सेकंड पे यदि आप मूव करते हैं तो यहां से आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चाहिए, बेंजल्डिहाइड चाहिए जो कि हमने इनिशियली यूज किया होता है रिएक्शन में, C6H5 C डबल बॉन्ड OH, ये आ गया। इसके बाद में क्या लेना है, CH नेगेटिव COOET COOET, ये आ गया आपका कार्बन आयन। दोनों की रिएक्शन कराते हैं, दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो यहां से फॉर्मेशन है वो किसकी होनी है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन आयन है वो ऑलवेज कहां पे रिएक्ट करेगा, कार्बोनिल के कार्बन पे, बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, यही तो कैसा होता है नेचर में, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है, दैट्स व्हाई तो यहां पे रिएक्शन होती है। तो यहां से ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन, देन यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या होता है, C6H5 तो एज इट इज रहेगा, देन यहां से क्या आएगा, कार्बन आएगा, कार्बन पे चार्ज कौन सा, सॉरी ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है उसे हम एज इट इज लिख देते हैं, हाइड्रोजन के बाद में न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है नेक्स्ट CH के साथ में, और यहां पे क्या है COOET है एंड COOET है, हो गया यहां तक होने के बाद नेक्स्ट है। अभी देखिए ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव चार्ज है, तो इसे तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा, सेटिस्फाई कहां से होगा, हमारे पास में क्या है, BH पॉजिटिव है, बेस है वो ज्यादा टाइम तक तो H पॉजिटिव को लेके नहीं घूम सकता ना। तो अभी स्टेप थर्ड में फिर से क्या होना है, यहां से स्टेप थर्ड में क्या होगा कि ये जो बेस है ये इसे प्रोटॉन डोनेट करेगा, ठीक है, ये जो बेस है ये इसे क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, C6H5 एज इट इज रहेगा, CHO नेगेटिव, देन क्या है, CH COOET COOET। नेक्स्ट यहां से फॉर्मेशन है वो किसकी होनी है, देखिए BH पॉजिटिव यहां से हमने लिया है तो B जो है बेस है वो एज इट इज चला जाएगा और H पॉजिटिव है वो यहां पे आके अटैक कर लेगा, H पॉजिटिव वो फिर से यहां पे आके अटैक कर लेगा, तो यहां से फॉर्मेशन किसकी होगी, C6H5 CHOH, देन क्या आएगा, CH COOET COOET। इतनी चीज क्लियर हो गई, यहां से एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई ये। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहां से क्या होगा, बेस फिर से बचा है तो बेस का तो काम ही क्या है, ये तो क्या करेगा, इसे तो एक ही काम होता है, हाइड्रोजन को निकाल के लेके आना। तो हाइड्रोजन अगेन देखिए, इस वाले कार्बन पे भी हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पे भी हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, तो जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन है वही जाएगा रिएक्शन में, ये चीज आपको यहां से फिगर आउट करनी होती है। अब इतनी चीज आपको समझ आती होगी कि मोर एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से कार्बन पे है, इसी
कार्बन पे है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये रिएक्शन से अगेन एलिमिनेट होता है बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्टेप है, स्टेप फोर्थ है, उसमें आपको क्या करना है, अगेन यहां से बेस है तो बेस जो बचा है वो क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा, C6H5COH CH, देन यहां से क्या आएगा, CH COET COET। नाउ यहाँ पे जो बेस था वो क्या करेगा, अगेन देखिए हमने जो इनिशियली बेस लिया था वही चल रहा है अभी तक, ये जो बेस है ये क्या करेगा, यहां से इस वाले हाइड्रोजन को निकाल के लेके जाएगा, अगेन किसकी फॉर्म में जाएगा, माइनस BH पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा। जैसे ही माइनस BH पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा तो यहां से अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आएंगे, यहां पे आएंगे, सो दैट यहां से माइनस कौन होगा, OH नेगेटिव होगा, तो माइनस BH पॉजिटिव होता है और साथ में क्या होता है, माइनस OH नेगेटिव होता है। या फिर ओवरऑल आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहां से डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन ऑफ H2O कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कर सकते हैं। यदि आपको ये चीज नहीं समझ आ रही तो आप सिंपल सा क्या करिए, यहां से H पॉजिटिव निकालिए, यहां से OH नेगेटिव निकालिए और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दीजिए, इतना सा काम आपको करना होता है। तो चलिए हमें फाइनली यहां पे करना क्या, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन ही करनी होती है। अनसैचुरेशन तक तो हम पहुंच गए, अब CH डबल बॉन्ड COET अनसैचुरेटेड कंपाउंड तक तो हम पहुंच गए। एक तो आप रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है वो यहां पे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आप फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होता है, फिर इसके लिए जब आप ये वाला फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जो रिएक्शन कंडीशन हमने बोला था कि रिएक्शन कंडीशन हमने एरो पे क्या लिखी थी, एक बार के लिए तो बेस लिखा था, देन सेकंड है वो हमने क्या लिखा था, H3O पॉजिटिव और हीटिंग लिखा था। तो जब आप ये वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं तो H3O पॉजिटिव और हीटिंग है वो नहीं लोगे, ये भी नोवेंजल रिएक्शन का प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, मे बी फाइनल प्रोडक्ट ये भी हो सकता है जब यहां पे ओनली बेस दिया हुआ है, ओनली बेस दिया हुआ है, कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है एंड साथ में आपको एक्टिव मिथिलीन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड वो दिया हुआ है। यदि ये तीन चीजें हैं तो फिर यहां से रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट यही होना है। यदि इसके बाद सेकंड स्टेप में यहां से हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है और हीटिंग रिएक्शन दी हुई है, देन यहां से रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है वो ये नहीं होगा, उसके बाद रिएक्शन है वो आगे भी प्रोसीड करेगी और आगे किस टाइप से प्रोसीड करेगी तो वो चीज देखिए मैं आपको बता देती हूँ। ये जो स्टेप है इसका तो स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने, आगे रिएक्शन है वो किस टाइप से प्रोसीड करेगी, तो देखिए आपको फाइनली क्या करना होता है, यहां से सिंपल सा यहां तक हम पहुंच गए। स्टेप फिफ्थ है, उसमें हमें क्या करना है, स्टेप फिफ्थ में हमें करना है C6H5CH COET COET। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन हमें क्या करना होता है, वो करना होता है हमें H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोलिसिस कराना होता है, और हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो किसका होना है, ऑब्वियस सी बात है जो आपका एस्टर ग्रुप है उसी का हाइड्रोलिसिस होना है। एंड एस्टर आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बहुत बार कर चुके हैं रिएक्शन, मैं फिर से नहीं बताने वाली, जाके पहले के वीडियोस देखिए, यदि नहीं आती है तो कुछ मेहनत कर लिया करो, आप लोग भी सारी मेहनत मेरे से ही कराते रहते हैं, ठीक है। देन यहां से क्या आएगा, CH डबल बॉन्ड C, उसके बाद जो कार्बोक्सिलिक जो आपका एस्टर था ये कन्वर्ट किसमें होगा, आफ्टर हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा, तो ये यहां पे आया COOH और ये यहां पे आया COOH, अब दोनों तरफ COOH आ गए, ठीक है, लेकिन ये चीज हमें पता है। अब देखिए ये भी फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, ये भी फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है जब यहाँ पे हीट नहीं दिया होता, जब रिएक्शन कंडीशन है वो सिर्फ यहां तक दी होती है। ये आपको डिफाइन ये आपको कहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको रिएक्शन कंडीशन क्या गिवन है, ठीक है, और यदि आपसे डायरेक्ट नोवेंजल रिएक्शन पूछा जाता है तो आपको पूरा लिखना है फिर, ठीक है, आपको जो जितने भी सारे स्टेप्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। यदि आप पूछा जाता है राइट सॉल्ट नॉट ऑन नोवेंजल रिएक्शन, और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन खूब पूछी जाती है, तो फिर आपको पूरी की पूरी रिएक्शन है वो लिखनी होती है। बट मैं आपको बता रही हूँ स्टेप वाइज बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ से फाइनल प्रोडक्ट हो सकते हैं। आप भी नोवेंजल रिएक्शन को यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, इस वाले प्रोडक्ट पे भी स्टॉप कर सकते हैं, और आप एक स्टेप है वो और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो डिपेंड इस पे करेगा कि आपने एरो पे क्या क्या कंडीशंस हैं वो अप्लाई की हैं। अब देखिए यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे, हीट करेंगे तो यहां से देखिए क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये कहां पे आएंगे, यहां पे आएंगे, फॉर्मेशन किसकी होगी, CO2 की फॉर्मेशन होगी, तो माइनस यहां से होता है CO2। अब कुछ बच्चे यहां से ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम यहां पे दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो CO2 की फॉर्म में क्यों नहीं गए, तो दोनों मॉलिक्यूल CO2 की फॉर्म में नहीं जाते, सिर्फ एक मॉलिक्यूल है वो ही CO2 की फॉर्म में एलिमिनेट होता है। अगेन मैं बता रही हूं कि मैकेनिज्म है वो उसी के बेसिस पे दी जाती है जो हमें फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, एंड फाइनल प्रोडक्ट है वो यहां से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है, दैट्स व्हाई हम मैकेनिज्म में सिर्फ एक CO2 का मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट कर रहे होते हैं। माइनस क्या होगा, CO2 होगा, CO2 के माइनस
प्लस होने के बाद ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे, एच पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, इस वाले कार्बन पे आएगा, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो यहाँ से क्या आएगा, सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी डबल ओ एच, और ये क्या होता है आपका सिनेमिक एसिड होता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ नोवेंजल रिएक्शन। ठीक है, तो ये थी आपकी नोवेंजल रिएक्शन। इसके बाद कुछ अदर एग्जाम्पल्स है वो भी हम देख लेते हैं कि और क्या क्या एग्जाम्पल्स यहाँ से हो सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताती हूँ, देन मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि किस टाइप से आपको नोवेंजल रिएक्शन है वो करनी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, CO2 भी रख सकते हैं, तो CO2 रखे सॉरी CN भी रख सकते हैं। तो अगेन हम क्या कर रहे हैं, इस बार हमने क्या लिया है, CH3 डबल बॉन्ड ओ कीटोन लिया है। ठीक है, कीटोन की रिएक्शन है वो हम किसके साथ में करा रहे हैं, यहाँ पे अगेन एक्टिव मिथिलीन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ में करा रहे हैं। तो हमने क्या लिया है, CH2 लिया है, देन क्या लिया है, CN लिया है, CN लिया है, चीज क्लियर हो गई, CN लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट है वो हमें क्या करना है, सबसे पहले रिएक्शन कंडीशन से अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो रिएक्शन कंडीशन है वो हम रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन बेस, पिरिडीन बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन है वो चल रही है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो हम क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस के बाद हम क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं यहाँ से। तो अब यहाँ से जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, तो देखिए मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ। पहले तो आप क्या कर दो, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकाल दो और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दो। ठीक है, पहला काम तो आपको यही करना होता है, यदि आप इतना कर देते हैं तो वो मोर देन इनफ है, तो भी आपका रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो सही माना जाएगा, रिएक्शन है वो आपकी करेक्ट मानी जाएगी। और इतना सा काम है वो तो आप कर ही सकते हैं, इतनी तो ट्रिक आपको समझ आ ही गई होगी। ठीक है, CN चीज समझ आ गई। एक तो यहां से रिएक्शन का प्रोडक्ट ये हो सकता है, बट हमें क्या बोला गया, अगेन हाइड्रोलिसिस कराना है। तो जब साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हो, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हो, तो यहां से फॉर्मेशन किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक की फॉर्मेशन होती है। एंड कार्बोक्सिलिक को जब हीट करोगे तो यहां से माइनस क्या होगा, CO2 होगा। एंड जो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो यहां से क्या आने वाला है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो यहां से अगेन यही आएगा, CCH3 डबल बॉन्ड सी एच सी डबल ओ एच। अगेन यहाँ से अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की ही फॉर्मेशन होती है। साइनाइड का भी जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे यहाँ से, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आपको वहां से जाके देखना है। एल्कोहल वाले जो वीडियोज हैं उनमें मैंने सारी चीजें, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो भी बीएससी की वीडियोज होती हैं उनमें मैं सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो पहले क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो ये जो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस है, ये वाली सारी चीजें मैंने एल्कोहल वाले चैप्टर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है, तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट वो पहले सीख के आने होते हैं। मैं हर वीडियो में बार बार सेम चीजें एक्सप्लेन करूंगी तो फिर तो ऐसे सिलेबस कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, वीडियोस भी काफी लंबी हो जाएंगी। तो यहां से रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है वो यही होता है। तो ट्रिक आपको क्या लगानी है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लेना है, ये आपका सी डबल बॉन्ड ओ है वो आपको लेना होता है, सी डबल बॉन्ड ओ आपको लेना है। उसके बाद आपको नहीं देखना कि इसके पीछे क्या है, पीछे जो भी है वो एज इट इज ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला उसमें। तो फिर आपको क्या करना है, इसके साथ में आपको क्या करना है, सी एच टू लेना है। ये जो सी एच टू है यहां से क्या कर दो, H2O निकाल दो। यदि आप इतना भी करके छोड़ देते हैं तो भगवान आपका भला कर देगा और एग्जामिनर भी भला कर देगा, आपके मार्क्स वो मिल जाएंगे, बट फिर भी आपको जो रिएक्शन है वो कम्प्लीटली आती रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना स्टेप वाइज, बिल्कुल एक एक स्टेप बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इससे अच्छा तो नोवेंजल जो रिएक्शन है उसका एक्सप्लेनेशन आई थिंक हो नहीं सकता। तो मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट वो क्लियर किए हैं अच्छे से। हाँ, और कुछ बच्चे पूछ रहे होते हैं कि मैम हम कहाँ से पढ़ें, तो एमएससी वालों के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको प्रगति एडिशन की जो बुक्स हैं वो पढ़नी चाहिए, एंड स्पेसिफिक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको LDS यादव एंड जगदम्बा सिंह की जो बुक है वो लेनी चाहिए। ठीक है, फिर से सुन लेना, LDS यादव एंड जगदम्बा सिंह, प्रगति एडिशन की बुक्स हैं वो MSc का पूरा सिलेबस है, ऑलमोस्ट वो कवर कर रही होती हैं, तो आप जो प्रगति एडिशन की बुक्स हैं वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियोस तो हैं ही, वीडियोस में तो आपको पता नहीं कहाँ कहाँ का मटेरियल मिल जाएगा। मैं किसी एक पर्टिकुलर बुक से वीडियोस नहीं बनाती हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से मटेरियल उठा लेती हूँ। हाँ, और जो BSc वाले हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वहाँ की जो भी बुक चल रही है, जो भी आपकी लोकल यूनिवर्सिटी में बुक चल रही होती है, देखो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग जो आपके राइटर्स होते हैं उनकी बुक्स हैं वो चल रही होती हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो आपके टीचर्स हैं वो सिलेबस करा रहे होते हैं, तो उसके लिए मैं नहीं बोल सकती कि आपको पर्टिकुलर यही बुक पढ़नी है। वो फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपकी यूनिवर्सिटी के यहाँ कौन सी बुक है वो ज्यादा क्रेज में है, कौन सी बुक से ज्यादा क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। सिलेबस है वो मैं पूरा अपलोड कर रही हूँ, बाकी आपको फिर देखना अपने अकॉर्डिंग पड़ेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो हो रहे हैं।
ठीक है। तो ये था नोवेंजल रिएक्शन में। नोवेंजल रिएक्शन में इसके बाद कुछ नहीं बचता। एग्जाम्पल्स हैं, आपको क्या करना है, जो आपका है कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी वैलेंसी चेंज कर करके और खूब सारे एग्जाम्पल्स बनाइए और आपके रिएक्शन की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये थी नोवेंजल रिएक्शन। इसके बाद हम कोई दूसरी नेम रिएक्शन करते हैं। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।